नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। आज इस वीडियो में ठेका और संविदा कर्मचारियों से लेकर दो महत्वपूर्ण अपडेट्स की जानकारी इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप देख सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ठेका कर्मियों ने 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया, न पर्ची कटी न इलाज मिला, मरीज परेशान। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं, ठेका कर्मचारी लंबे समय से संघर्षरत हैं। RLSDC राजस्थान लॉजिस्टिक स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के गठन की जो प्रमुख मांग है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट घोषणा 2023-24 के बजट में घोषणा की थी कि जो ठेका प्रथा वो समाप्त की जाएगी और RLSDC का गठन होगा और सरकारी कंपनी और जो संस्था उसके माध्यम से ठेका कर्मचारियों को भर्ती किया जाएगा। लेकिन अभी तक इसको अमली जामा नहीं पहनाने से ठेका कर्मचारी लगातार आंदोलनरत हैं और परेशान हैं और कार्य बहिष्कार कर अपना प्रदर्शन यहाँ पर किया। आप देख सकते हैं, बिना इलाज के ही मरीजों को लौटना पड़ा। 2 घंटे बाद कार्मिकों के लौटने के बाद मरीजों को इलाज मिल सका। 500 अस्पताल में करीब 1800 से अधिक ठेका कर्मचारी हैं और ये बात कर रहे हैं हम कोटा की। यह कहना है मरीजों का, सुल्तानपुर से आई एक महिला ने बताया कि वह सुबह से गांव से MBS अस्पताल में दिखाने आई थी, लेकिन कार्मिकों को हड़ताल का पता नहीं था। 2 घंटे कतार में रही और गर्मी व उमस से परेशान रही। आप देख सकते हैं, मांगे पूरी नहीं हुई तो आज भी कार्य बहिष्कार। कर्मचारी नेता देवाशीष व दिलीप सिंगोर ने बताया कि राज्य सरकार ने बजट घोषणा में राजस्थान में ठेका व्यवस्था समाप्त कर रिक्शों की तर्ज पर सरकारी संस्था RLSDC बनाकर कर्मचारियों को सीधा भुगतान करने की घोषणा की थी, लेकिन घोषणा अभी तक लागू नहीं। प्रदेश के सभी ठेका कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। रविवार को भी सुबह 2 घंटे कार्य बहिष्कार रहेगा। इसके बावजूद भी अधिसूचना जारी नहीं करती है तो 11 सितंबर से सभी कर्मचारी अवकाश पर रहेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठेका कर्मचारी लंबे समय से आंदोलनरत हैं और इन्होंने अपने जो डिमांड है, जो प्रमुख डिमांड है, समान काम समान वेतनमान, राजस्थान CSR रूल्स 2022 में शामिल किया जाए और जो ठेका प्रथा समाप्त करके RLSDC का गठन हो, इन तीनों मांगों को लेकर प्रदर्शनरत हैं। और 11 सितंबर तक ये 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे और 12 सितंबर से संपूर्ण जो कार्य बहिष्कार है इनके द्वारा किया जाएगा। 10 सितंबर तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार, 11 को OPD का कार्य बहिष्कार और 12 सितंबर से संपूर्ण कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, जांच के बाद हाईकोर्ट में पेश होगी रिपोर्ट, वित्तीय भार संभालने को लेकर असमंजस्य। JNU नियमित हुए संविदा कर्मचारियों की ज्वाइनिंग से पहले जांचेंगे डॉक्यूमेंट्स। आप देख सकते हैं, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के करीब 109 ठेका कर्मचारी अपने नियमितीकरण का रास्ता साफ होने के बाद अब नियुक्ति आदेश जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन्हें नियमित करने से पहले इनके डॉक्यूमेंट की जाँच करेगा। संभवतः जिनके डॉक्यूमेंट में कोई कमी नहीं मिली उन्हें ज्वाइन करवाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार डॉक्यूमेंट चेक कर JNU रिपोर्ट हाईकोर्ट में प्रस्तुत करेगा। दरअसल JNU के ये संविदा कर्मचारी विगत कई सालों से संविदा पर कार्य कर रहे थे, लेकिन इन्हें विश्वविद्यालय ने नियमित नहीं किया। विश्वविद्यालय के विभिन्न संकाय, विभाग, संगठक, कॉलेज, सेंटर्स व कार्यालय में कार्यरत इन कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर न्यायालय की शरण ली। पहले हाईकोर्ट व इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन विश्वविद्यालय पिछले 15 माह से इस पर कोई निर्णय नहीं ले रहा था। पिछले माह राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय को इस मामले में 10 दिवस में सिंडिकेट की बैठक कर संबंधित प्रकरण में निर्णय लेकर अवगत करवाने को कहा। इस मामले में निर्णय लेने के लिए 5 जुलाई को JNU की सिंडिकेट की बैठक हुई। सिंडिकेट में इन कर्मचारियों को नियमित करने पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सही माना और नियमित करने का निर्णय लिया, लेकिन मामले में राज्य सरकार को वित्तीय सहयोग के लिए लिखने का भी निर्णय लिया। वित्तीय नियंत्रक व 2 प्रोफेसर की कमी बनना प्रस्तावित। इस संबंध हाल ही में विश्वविद्यालय को राज्य सरकार के शिक्षा ग्रुप 4 विभाग के संयुक्त शासन सचिव डॉक्टर फिरोज अख्तर का पत्र मिला। इसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि इन संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के न्यायिक निर्णय व विचाराधीन अवमानना याचिकाओं के संबंध में विचाराधीन प्रकरणों में विश्वविद्यालय ने स्वयं के स्तर पर
वह सविवेक से नियमित करने का निर्णय लिया है। न्यायालय में दायर अवमानना के दृष्टिगत इस शर्त के साथ निर्णय की पालना करने की स्वीकृति दी है कि इन कार्मिकों के नियमितकरण के संबंध में आने वाला जो वित्तीय भार है उसका दायित्व विश्वविद्यालय के स्वयं के संसाधनों से होगा। विश्वविद्यालय की ओर से इन कर्मचारियों के नियमितकरण करने के आदेश जारी करने की तैयारी है। साथ ही इन्हें ज्वाइनिंग के साथ डॉक्यूमेंट जांच करने के लिए वित्तीय नियंत्रक व दो प्रोफेसर की कमेटी बनाए जाना प्रस्तावित है। दोस्तों वित्तीय नियंत्रक व दो प्रोफेसर की जो कमेटी है इनके डॉक्यूमेंट की चेक जांच करेगी और डॉक्यूमेंट के सही पाए जाने पर इनको नियमित नियुक्ति का जो आदेश है वो प्रदान करेगी। तो दोस्तों मैं बता दूं जयनारायण वैश्य विश्वविद्यालय में करीब 109 जो ठेका जो संविदा कर्मचारी थे वो काफ़ी लंबे समय से लगे थे। इन्होंने पहले हाईकोर्ट इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट की शरण ली जिसके बाद में इन्हें नियमित करने का जो निर्णय यहाँ पर दिया गया। 5 जुलाई को सिंडिकेट की बैठक हुई कॉलेज की जिसमें इन जो संविदा कर्मचारी जो ठेका कर्मचारी हैं उनको नियमित करने की जो फैसला था उसको सही माना और नियमितीकरण का जो है इन्होंने जो प्रस्ताव बनाया। इसके बाद में सरकार को वित्तीय मामलों के संबंध में पत्र लिखा लेकिन वित्तीय मामलों को लेकर सरकार के जो उच्च शिक्षा विभाग हैं उन्होंने स्पष्ट किया कि आप अपने स्वयं के संसाधनों से वित्तीय जो भार है वो वहन करें, सरकार इसमें कोई मदद नहीं करेगी। अब मैं बता दूं नियमित हुए संविदा कर्मचारियों की ज्वाइनिंग से पहले डॉक्यूमेंट जांचेंगे और डॉक्यूमेंट सही पाए जाने पर इनको नियमित नियुक्ति का जो ऑर्डर है वो यहाँ पर जारी करेंगे। तो इसके बाद में यहाँ पर जो हाईकोर्ट में रिपोर्ट भी पेश करेगा JNU। साथ ही जो ठेका कर्मचारी है वो लंबे समय से संघर्षरत है यहाँ पर अपनी 3 जो प्रमुख जो जायज मांगे हैं उनको लेकर। इनकी जो प्रमुख मांग है ठेका प्रथा समाप्त कर RLSDC के जो बजट घोषणा है उस पर इम्प्लीमेंट हो, CSR रूल्स राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल फोर्स रूल्स 2022 में शामिल किया जाए और दिल्ली की तर्ज पर समान काम समान वेतनमान का जो फॉर्मूला है वो लागू किया जाए। साथ ही ये ठेका कर्मचारी जो हैं आंदोलनरत रहे, निविदा प्लेसमेंट एजेंसी और ठेका पर लगे कार्मिक, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, डेटा एंट्री ऑपरेटर, निःशुल्क दवा एवं जाँच योजना, ई पहचान, ECG टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, लैब सहायक, सफाई कर्मचारी, ट्रॉली मैन, ऑक्सीजन प्लांट वर्कशॉप टेक्नीशियन, DDCL पर मरीज सहायक, सिक्योरिटी गार्ड, स्वागतकर्ता, टेलीफोन ऑपरेटर तथा लिफ्ट ऑपरेटर। इस प्रकार से यहाँ पर जो है आंदोलन चलेगा। 10 सितंबर तक प्रत्येक दिन 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार, 11 सितंबर को OPD कार्य का बहिष्कार और 12 सितंबर से संपूर्ण कार्य का जो बहिष्कार है वो यहाँ पर किया जाएगा। मैं बता दूं ठेका कर्मचारी अपनी जो मेन जो डिमांड है कि RLSDC का गठन हो और इस ठेका जो प्रथा है उसको समाप्त करते हुए सरकारी कंपनी के मार्फत जो ठेका कर्मचारी जो प्लेसमेंट एजेंसी के जो कर्मचारी हैं उनको सीधे सरकारी कंपनी के माध्यम से नियोजित किया जाए और उनका जो भुगतान है वो सीधे बैंक अकाउंट में यहाँ पर किया जाए। इसके अलावा जो 109 जो संविदा कर्मचारी हैं जिनको JNU ने नियमित करने का जो प्रस्ताव है जो बनाया है उसको लेकर अब उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जिस अभ्यर्थी के डॉक्यूमेंट सही होंगे उनको नियमित नियुक्ति दी जाएगी और साथ ही हाईकोर्ट में इसकी रिपोर्ट भी पेश होगी। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।